तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि विंडोज़ 7 को एज अ प्राइमरी विंडोज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आप में से जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी जो है वर्किंग एरियाज़ है, वहाँ पर आज भी विंडोज़ 7 को जो है यूज़ किया जाता है। तो अगर बात आती है अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए विंडोज़ 7 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको जो है हम कैसे सेफ रख सकते हैं, क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऑफिशियली जो है इसका सपोर्ट खत्म कर दिया है एंड एंड कर दिया इसका सपोर्ट। तो अब जो है माइक्रोसॉफ्ट इसकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर कुछ भी आपके पीसी में खराबी आती है, वायरस होता है, अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा अब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम अपने पीसी की जो रक्षा है खुद करें। तो अब कैसे करें दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं यही सब लेकर के आया हूँ, यही सब बताने वाला हूँ कि आप मेरी कुछ टिप्स को फॉलो करके जो है आप अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं द टेक्निकल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप में सभी लोग जो है अपने कंप्यूटर के अंदर में इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे भाई, क्योंकि भाई बिना इंटरनेट के कंप्यूटर चलाने का कोई मज़ा नहीं है, कोई मतलब जो है इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जाहिर सी बात है ब्राउजिंग भी करते होंगे, आप ब्राउज़र का इस्तेमाल भी करते होंगे। तब ऐसे में जो है दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आती है कि आपको कौन सा ब्राउज़र अपने पीसी के अंदर में इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ब्राउज़र हैं आप जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, बट आपको जो यहाँ पर एक सही ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है जो कि आपके पीसी की प्रोटेक्शन दे, आपको फुल प्रोटेक्शन दे जो कि अनवांटेड साइट्स होती हैं। अब वो कैसे होगा देखिए दोस्तों ब्राउज़र में यहाँ पर आपको गूगल का ब्राउज़र यूज़ करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है एंड इसका ऑफिशियली जो है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में भी विंडोज 7 ही चल रही है अभी। तो यहाँ पर आपको जो है इसको अगर आप सर्फिंग करते हैं तो उसको जो है आप एक बार ओपन कर लीजिए एंड जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ कर लेनी है जो कि मैं आपको बता देने वाला हूँ। आपको जो है अपने यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इस पर जाना है एंड इस पर जाने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। जैसे आप सेटिंग्स पे चले जाओगे तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ है वो करनी है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नाम से यहाँ पर एक टैब आ रही है, इसको आपको क्लिक करना है एंड नीचे आइएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक जो है एक सिक्योरिटी का फीचर मिल जाता है एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके में, यहाँ पर आपके में शो हो रहा होगा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, अगर आपको नहीं पता इस फीचर के बारे में। अगर आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो आपको जो है जा करके यहाँ पर इन्हेंस प्रोटेक्शन पर जाकर के इसको क्लिक कर देना है। अब इससे होगा ये कि दोस्तों अगर कोई भी साइट होगी जिसमें लगता है कि इसमें आपको अनवांटेड साइट है या फिर वायरस का खतरा है तो ये आपको पहले ही वॉर्न कर देगा एंड पहले ही वॉर्न करने के बाद में जो है आपको ये आपको वार्निंग दे देगा कि आपको इस साइट में आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो डिसीजन आपके ऊपर आ जाता है कि भाई आपको वाकई में अभी भी वार्निंग देने के बाद में उस साइट पर कंटिन्यू करना है या नहीं। तो इस फीचर को ऑन करने से आपकी जो प्रोटेक्शन है वो और इन्हेंस हो जाती है, और बढ़ जाती है ब्राउजिंग करते समय, जिससे कि वायरस का आने का खतरा जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है एंड आपका पीसी यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी पीसी के प्रोडक्शन की तरफ, जो कि आती है एंटीवायरस के बारे में। अब हम बात करते हैं अब एंटीवायरस के बारे में। तो देखिए भाई अगर आप अपने पीसी में कोई एंटीवायरस, अगर आप एक ऐसा पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई जो कि जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप नॉर्मल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं एंड छोटी मोटी चीज़ें आप इसके अंदर में करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट का डॉक्यूमेंट इसके अंदर में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आप अगर खो जाए तो आपका काफ़ी करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो देखिए अगर आप ऐसे इस तरह का सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली बेसिस यूज़ में तो आपको जो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल को जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडोज फायरवॉल, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो का फायरवॉल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है। तो जैसे ही खुलकर आता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर जैसे ही आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ये यहाँ पर आपके में पीसी के अंदर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको जो दोस्तों ऑन कर लीजिए। अब ऑन कहाँ से होगा, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ये सिस्टम है इसकी सेटिंग्स है वो ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर सेटिंग फॉर ईच टाइप ऑफ नेटवर्क, आप यहाँ पर आपको टर्न ऑन विंडोज़ फायरवॉल ऑन रखना है। आपको ये देख लीजिए ये ऑन ही होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, अगर ऑफ होगा तो फिर आपके पीसी को खतरा हो सकता है एंड इसको यहाँ पर ऑन करने के बाद में आप इसको ओके कर दीजिए एंड यहाँ पर जो है आपका सिस्टम वो से हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से आगे बढ़ लेते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। कुछ फिर से आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है एंड आपने देखा होगा कि जिससे पहले जो मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन आ रहा था जो कि था विंडोज डिफेंडर और यहाँ पर था विंडोज फायरवॉल। अब की बार हमें जाना है विंडोज डिफेंडर के पास। अब विंडोज डिफेंडर को यहाँ पर ओपन कर लीजिए एंड विंडोज डिफेंडर को जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर एक इंटरफेस खोलता है आपके विंडोज 7 के अंदर में, जो कि इसका खुद का एक एंटीवायरस है बेसिकली। अगर आपके इसमें कोई अपडेट आ रहा है जो कि पहले का अपडेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था और आपने नहीं किया है तो आप इसको जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट किया था क्योंकि 5/12/2021 में इसके लिए रिलीज़ किया गया था एक डेफिनेशन जो कि एंटी स्पाइवेयर डेफिनेशन होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ करता है, तो उसको कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आप स्कैन भी कर लीजिएगा एक बार अपने पीसी को, अगर स्कैन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आपको जाना है दोस्तों यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन में, सेटिंग्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। एंड आपको जाना है फिर यहाँ पर ऑप्शन वाले सेटिंग पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन के नाम से एक चीज़ आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सीधा यूज़ रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑन रखना है। इसको ऑफ मत करिएगा कभी भी, इसको सिर्फ ऑन रखिएगा। जैसे ही आपने देखा होगा कि विंडोज 10 के अंदर में भी आता है रियल टाइम प्रोटेक्शन का, जो कि इसकी खुद की सिक्योरिटी वाला एंटीवायरस आता है इनबिल्ट, सेम वैसी चीज़ आती है। एंड इसको यहाँ पर आपको जो है सिंपली यहाँ पर दोस्तों सेव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एंटीवायरस की बात कर ही रहे हैं तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई आपको अब एंटीवायरस भी अपने पीसी में होना ज़रूरी है अगर आपको और अपने पीसी की प्रोटेक्शन को एनहेंस करना है। अब मान लीजिए आपके पीसी के अंदर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एंड अगर वो जो है यहाँ से निकल जाते हैं या फिर खो जाते हैं तो कैसे आपका जो नुकसान है वो बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की सलाह देना चाहूँगा। अगर आप एक आपके पीसी के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं तो आपको जो है एक एंटीवायरस को परचेस कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको वो एंटीवायरस जो है पेड वाला एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। फिर उससे क्या होता है दोस्तों, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। क्योंकि अगर फ्री वाला एंटीवायरस यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काम नहीं करती है, ये अलग चीज़ आ जाती है। आपको सिर्फ वो एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए जो कि पेड हो। अगर आपके पीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं तो आपको एक पेड एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। हालांकि अब हम बात करते हैं उन यूजर्स के लिए जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बेसिक यूज़ करते हैं अपने पीसी के अंदर में, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल नहीं होती, अगर वो खो भी जाए तो उन्हें कुछ खास सा नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे में जो आपके लिए मैं कुछ एंटीवायरस लेकर गया हूँ जो कि फ्री एंटीवायरस आते हैं, आप उन्हें इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी के अंदर में और बिल्कुल सेफ होते हैं एंड आपके पीसी को जो है प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको मैं एक साइट लेकर के आया हूँ आपके लिए, आपको उस साइट को ओपन कर लेना है जो कि यहाँ पर लिखकर के आ रही है गेट इन टू पीसी। इस पर जाइएगा, इसको ओपन कीजिएगा एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो कि सेव होते हैं। अक्सर मैं भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। अब यहाँ पर हमें जाना है लेकिन एंटीवायरस वाले सेक्शन पर। इस पर जाइए, इस पर आप जाइएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर जाइएगा यहाँ पर आपको जो है फ्री एंटीवायरस की लिस्ट मिल जाएगी एंड ये सभी के सभी दोस्तों जो एंटीवायरस होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं एंड ये आपकी जो प्रोडक्शन है उसको भी इनहेंस कर दें। मतलब दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ये फ्री है तो आपके पीसी के अंदर में काम नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्शन नहीं देंगे। नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर एंटीवायरस फ्री ज़रूर है लेकिन आपको पूरी प्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। आपको यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन दे देंगे कि आपके पीसी के अंदर में वायरस का खतरा नहीं होगा एंड आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर लोगे। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे एंटीवायरस की लिस्ट आ जाती है एंड ये सभी के सभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स के एंटीवायरस आते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैक कैफे का भी आता है यहाँ पर, जो कि 2021 की सिक्योरिटी के साथ में आ जाता है। डॉक्टर वेब भी आ जाता है यहाँ पर दोस्तों एंड शील्ड एंटीवायरस प्रो भी आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कोई भी एक एंटीवायरस को चुन लीजिए, जैसे कि डॉक्टर वेब में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जैसे आप नीचे जाते हैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे करने की तरफ तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको जो है ये देख लीजिए डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर पासवर्ड भी आपको दिया जाता है क्योंकि जिप फाइल के अंदर में दोस्तों आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पीसी की प्रोटेक्शन को और इनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो विंडोज 7 के प्रोटेक्शन के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रही हो, इसी तरह की कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो जो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो गाइस चलिए तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। देखते रहे द टेक टेक्निकल्स।